स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वंसे विभूषितकरान्नवनीरतावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृदैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्णगनयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था कि भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान हम पहले भी चिंतन कर चुके हैं। द्वितीय स्कंद में कुल 10 अध्याय है, उसमें प्रथम 2 अध्याय में भगवान का ध्यान कैसे करना, भगवान के ध्यान के बारे में वर्णन आता है। तो ये प्रथम अध्याय में स्थूल रूप से भगवान का ध्यान कैसे है, क्योंकि हमें सब समय हमारी दृष्टि भगवान में लगाए रखनी है। देखिए, पहले इस तत्व को हम समझ ले। जहां जहां हमारी दृष्टि पड़े, जहां जहां हमारा मन जाए, जो जो कार्य करे, वो सब कुछ केवल भगवान को अर्पित हो। यह वृत्ति जब आएगी तब वह साधन बनेगा। यह वृत्ति जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चिंतन साधन बन सकता नहीं है। इसी दृष्टि से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, There is no difference between secular work and spiritual work. All works are spiritual. हमारी प्रत्येक क्रिया आध्यात्मिक साधना है। हमारी दृष्टि जहां जहां जाए
वह केवल भगवान का स्वरूप हो, भगवान के श्रीचरण हो। इसलिए कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रभु में काया वाचा मन से स्वभाव से प्रकृति से जो भी कार्य करो प्रभु आपकी पूजा बन जाए। काया वाचा मन से विचार से, काये न वाचा मन से इंद्रिय वा इंद्रियों से, बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् बुद्धि से प्रकृति से स्वभाव से मैं जो कुछ भी कार्य करूं, करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो यहां पर यही दृष्टि है, मैं जो कुछ भी करूं वो प्रभु आपके श्री चरणों में अर्पण हो। कृष्णार्पणमस्तु, नारायणार्पणमस्तु, राम कृष्णार्पणमस्तु। प्रभु मेरी दृष्टि जहां जहां जाए केवल मैं आप ही का ध्यान करूं। इसलिए पहले स्थूल स्वरूप का ध्यान करवाया है, और स्थूल स्वरूप में क्या है समझिए। तो यहां तत्वार्थ यह है कि हमारी दृष्टि जहां गई भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त हम और कुछ न देखे। जब सब जगह भगवान को देखेंगे तो क्या होगा, अरे ईश्वर के अतिरिक्त फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहा पहले, जो पिछले सत्संग में भी हमने चिंतन किया, क्या करना चाहिए साधक को, बोले अपने मन को विषयों से निवृत्त करके, मन का विषयों से निरोध करके, अपनी बुद्धि को सारथी बना करके परमात्मा में मन को लगाना चाहिए। अपने इस शरीर को यम नियम करके और प्राणायाम करके इस शरीर के आसन को सिद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसकी आसक्ति कहीं नहीं रहेगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये धारणा की पद्धति बता दें सुखदेव जी। अपने शरीर को एक ऐसी अवस्था में रखे जहां से वो एक आसन सिद्ध हो गया, घंटों तक हम एक आसन में बैठ पाए, और अपने मन को विषयों से निवृत्त कर लिया, बुद्धि को सारथी बना करके उस परमात्मा में लगा दिया। देखिए यदि हम ऐसा सोचते रहेंगे कि हमको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी तो हमको अच्छा नहीं रहेगा, तो समझिए हमारा मन वस्तु व्यक्ति स्थान उसमें फंस गया है। जब हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे मन को, हमें ये व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं रह सकते हैं, ये वस्तु नहीं होगी तो हम नहीं रह सकते हैं, ये स्थान नहीं होगा तो हम रह नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसी सुविधाएं नहीं होगी तो हम रह नहीं सकते हैं, जब हमारे मन में ये भाव आ जाए तो समझ लेना है हमारा मन उस व्यक्ति वस्तु घटना स्थान में आसक्त हो चुका है, फिर भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए कहा कि पहले मन को विषयों से निवृत्त करके, अब जहां जहां हमारी दृष्टि जाए, क्योंकि समग्र ब्रह्मांड तो भगवान के विराट स्वरूप में है। इस समग्र ब्रह्मांड है क्या, एक तरह से भगवान का विराट स्वरूप है, उसका चिंतन किया हमने। सप्त धातुओं से जो बना ब्रह्मांड है, पृथ्वी इत्यादि जो ग्रह है, सप्त धातु जो सप्त मानी मुख्य स्रोत है वो हमने देखा है, आकाश वायु अग्नि जल महत्तत्व अहंकार एवं प्रकृति, तो इन सप्त तत्वों से बना हुआ ये जो समग्र ब्रह्मांड है वो परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। इसलिए जब देखते हैं कि आकाश को देखते हैं तो क्या याद कर रहे हैं, तो भगवान की नाभि है, नभ एव नाभि। जब आकाश को देखा तो ये तो भगवान की नाभि है। अरे आकाश में जब बादल देखे
तो बोले तो भगवान के केश है। क्या सुंदर भावार्थ है, ये भावार्थ नहीं है, सत्य है। इसी दृष्टि से परमात्मा का सतत हमें अनुसंधान करना है। क्या अद्भुत दृष्टि बताते तत्वज्ञानी महापुरुष लोग। इसलिए यहां स्थूल स्वरूप का, भगवान के विराट पुरुष का ध्यान है। जब संध्या देखते हैं तो सोचे ये तो भगवान के वस्त्र है। दिशाएं देखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जब हम बोलते हैं ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, ए वायव्य, ए ईशान, ए नैऋत्य, ए अग्नि, तो ये सब क्या है? दिशाएं तो भगवान के कान है। जब पर्वत को देखते तो पर्वत क्या है? भगवान के अस्थि है। नदियों को देखते तो भगवान का, भगवान की नाड़ियां है। जल को देखते तो भगवान का तालु प्रदेश है। क्या सुंदर तत्वज्ञानी ने चिंतन करके भगवान के विराट पुरुष का वर्णन किया है। अरे जब सूर्य देखते तो भगवान के नेत्र है, चंद्रमा देखते तो भगवान का मन है। चंद्रमा मनसो जायते। और जब मानव को देखते तो उस मानव में भगवान निवासित करते हैं। अरे घोड़े खच्चर हाथी को देखते हैं तो भगवान के नाखून है। और मृग और अन्य वन्य पशुओं को देखते हैं, वन्य पशुओं को, तो वो तो भगवान का कटी प्रदेश है। कितनी अद्भुत बात बताई है। अरे जब वायु को देखते तो भगवान की श्वास चल रही है। अरे काल को देखते तो भगवान की चाल है। जब वृक्षों को देखते तो भगवान के रोम है। अब देखिए प्रत्येक से भगवान का चिंतन हो रहा है। ब्राह्मण को देखते तो भगवान का मुख है, क्षत्रिय को देखते तो भगवान की भुजाएं, वैश्य को देखते तो भगवान का उदर है, और शूद्र को देखते तो भगवान के श्री चरण है। पक्षियों को देखते तो भगवान का विविध कौशल है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। ये भगवान का चिंतन करने के लिए, ये भगवान का विराट ध्यान है। इसलिए इससे क्या पता चला? जित देखो तित श्याम मई। बस अरे सप्त लोग जो बताए, सात ऊपर के सात नीचे के, भू भुव स्वः जन मह तप एवं सत्य लोक, सात लोक ऊपर के नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल एवं पाताल। पाताल क्या है? वो तो बोले भगवान के तलवे है, समझिए। रसातल क्या है? वो तो बोले भगवान के पंजे है। और फिर कहा अरे सुतल, अरे भगवान की जांघे, वो तो सुतल है। भगवान के ये पेड़ जो है वो तो ये तो भूतल है। इस तरह से सात लोकों का भी वर्णन इसी में आ गया। इसलिए कहा कि जित देखो तित श्याम मई, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडे वंचसी जातो विश्वतो। यही एक, और गीता के अंदर में तो भगवान ने कह दिया। कितना अद्भुत कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं, हम जो कुछ भी देख रहे हैं। देखिए भागवत का यह सिद्धांत पुनः पुनः आएगा। हम आप सब लोगों का इसके इस सिद्धांत पर विशेष करके ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। यह हमारा हमारा नम्र निवेदन रहेगा कि आप कृपा करके इस सिद्धांत का पुनः पुनः स्मरण कीजिए। जब भागवत के प्रथम श्लोक में हम प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसका हम जब विस्तृत रूप से चिंतन कर रहे थे तब हमने कहा था भागवत के प्रत्येक स्कंद में प्रत्येक श्लोक में इसी यही चिंतन पुनः पुनः आने वाला है। अत्र तत्र सर्वत्र वही अनादि अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा निवासित है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तू ही है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्व धरा हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनकर बादल से गिरा जल होकर फिर नहर बना नदिया गहरी तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। माटी से अणु परमाणु बना फिर ये दिव्य जगत का रूप लिया, क्या अद्भुत बनाया है। वही रंगवदूत महाराज कहते हैं भरियू ज्यात्या प्रभुतारू अनुपम रूप हे अवधूत। ये भागवत का ये मुख्य विचार है, इसी के ऊपर में ही पूरा श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद यही विचार पुनः पुनः आएगा भिन्न भिन्न दृष्टि से। इसलिए इस विचार में जितने हम प्रतिष्ठित होंगे उतना ही भागवत के ये प्रतिपाद्य विषय को हम समझ पाएंगे, अन्यथा भागवत एक सामान्य कहानियों का विषय बनकर के रह जाएगा। भागवत में जो ज्ञान है, अद्भुत विवेक है, अद्भुत वैराग्य है, भक्ति अद्भुत भरी है, उसकी ओर हम दृष्टिपात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव हमारा ये आपसे नम्र निवेदन रहेगा हाथ जोड़ करके इस सिद्धांत का पुनः पुनः श्रवण करें। हम जो कुछ देख रहे हैं सिवा परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसी को याद कीजिए। उसी दृष्टांत को एक ही सुवर्ण में से बोले मंगलसूत्र बना, हार बना, करदनी बनी है, अंगूठी बनी है, कुंडल बने हैं, नथनी बनी है, लेकिन है तो वही सुवर्ण तत्व। सोने की बड़ी लगड़ी है बहुत लंबी, उसमें मनुष्य पशु पक्षी हाथ पशु पक्षी स्थावर जंगम वनस्पति समुद्र सरिता पहाड़ इत्यादि के मुहर मार दिए तो मुहर सत्य कि वो सुवर्ण की लगड़ी सत्य। आप कहेंगे महाराज सुवर्ण की लगड़ी सत्य। उसी तरह से ये परमात्मा का विराट स्वरूप का ध्यान है। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी चुप पानी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च महि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। जित देखो तित श्याम मई लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन मैं गई मैं हो गई लालम लाल। और हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी लिखते हैं सरगु नरकु अपबरगु समाना जह तह देख धरे धनुमाना। धनुमाना कितना अद्भुत कहा है, सरगु नरकु अपबरग समाना स्वर्ग नरक अपवर्ग सब कुछ एक ही है, किससे भरा हुआ है। जह तह देख धरे धनु बाना जहां तहां देखते तो वो कौन है, वही धनुर्धारी हमारे प्रभु श्री राम, उन्हीं के चरणों में हम पुनः पुनः वंदन करते हैं। देखिए हम विष्णु सहस्र नाम करते हैं सब लोग तो पहला ही क्या आता है ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूद भव्य भवत् प्रभु भूत कृत भूत वृद भावो भूतात्मा भूत भावनः। शुरुआती वहीं से हो रही है ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, वही विष्णु जो जगत का स्थिति करता है, वही जगत बना है, चर अचर सर्वत्र उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा। इसलिए रंगवदूत महाराज ने कहा भर्यु ज्यात्या प्रभुतारु अनुपम रूप हे अवधूत निराकारी निजे छाये बनु साकार तू अवधूत।
प्रभु मैं जहां भी देखता हूं केवल तुम्हारा ही स्वरूप देख पा रहा हूं। भरी ऊर्जा त्या जगत में जो कुछ भी जहां कहीं पर भी सजीव निर्जीव आकार निराकार जहां कहीं पर भी हमारी दृष्टि जाती है प्रभु आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। निराकारी निजे इच्छाए बनियो साकार तू अवधूत, तुम निर्गुण निराकार हो, तुमने स्वयं की इच्छा करके तुम सगुण साकार बने हो। खुनीना खंजरो मातु प्रियाना चुंबनो मातु, तुम खुनी के खंजर में भी तुम ही हो, प्रिया के चुंबनों में भी तुम हो, वन में योगी की तरह भी तुम ही हो, जगत में भोगी की तरह भी तुम हो। सब कुछ केवल तुम ही तुम हो। खुनीना खंजरो मातु प्रियाना चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु रहो पिक कूजने अवधूत। प्रत्येक गर्जना में आप ही हो प्रभु, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही सिद्धांत को आगे इसलिए बताते हैं, इसलिए देखिए ये हमारे सनातन वैदिक धर्म की विशेषता है। अन्यान्य धर्म में ऐसा नहीं है, हमने चिंतन किया है। अन्यान्य धर्म में ईश्वर ने जगत बना करके कुंभार जैसे मटके को बना करके रख देता है, वैसे अन्यान्य पंथों में ईश्वर ने जगत का निर्माण करके रख दिया। यहां ईश्वर केवल घड़ा नहीं बना है, वो तो घट भी है, कुंभार भी है, मृत्तिका भी है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इसकी और हम दृष्टिपात करें, यही वेदांत का मुख्य सिद्धांत है। हमारा ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही घट बना है, वही मृत्तिका बनी है और वही कुंभार है। ज्ञान ज्ञाता एवं ज्ञेय वो तीनों एक ही है, जो भागवत का अनुपम सिद्धांत है। भागवत में कहा कि हम मनी मैं ही अब परीक्षित राजा द्वादश स्कंध में कहते हैं, परिष्कार रूप से साफ रूप से कहते हैं, अब मेरे में कोई भेद नहीं है, विश्व दृश्य ईश्वर इस सब में से किसी का भेद नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विशान नहीं न दृश्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनम। कितनी अद्भुत बात बताई, विश्व दृश्य ये सब पृथक अब कुछ भावी नहीं रहा, सब कुछ ब्रह्ममय है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, हमारे वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर ने सृष्टि बना करके रख नहीं दी है बाजार में, वही स्वयं सृष्टि बना है। देखिए अन्यान्य धर्म जो है, कुछ कुछ धर्म पुस्तक प्रदान धर्म है, कोई धर्म आचार्य प्रदान है, मुस्लिम धर्म आचार्य प्रदान है, एक आचार्य जो कह दिया बस वो खत्म, ईसाई धर्म पुस्तक प्रदान है, 10 कमांडमेंट्स दिस एंड दैट, बौद्ध धर्म करुणा प्रधान है, जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है वो मानव प्रधान धर्म है। कैसे, इसलिए देखिए लोग कहते हिंदू धर्म, हिंदू धर्म तो हिंदू शब्द हमारे कोई भी ग्रंथ में नहीं है, ना प्रस्थानत्रय में है, ना पुराणों में, ना कहीं पर भी हिंदू शब्द हमारे कोई शास्त्र में नहीं है। हमको हिंदू शब्द दिया गया है पर्शियन लोगों के द्वारा, सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोग हिंदू कहलाए, उस स का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे इसलिए सिंधु की जगह हिंदू किया, और कालांतर में हम लोगों ने उस शब्द को स्वीकार कर लिया अपनी पहचान बनाने के लिए, इस तरह से हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। अन्यथा वैदिक सनातन धर्म में हिंदू कहीं शब्द ही नहीं आता है। फिर भी यदि हिंदू शब्द की परिभाषा देखे तो देखिए विनोबा जी कहते हैं,
हिंसा हिंसया दूयते चित्तम यस्य स हिंदुः, जिसके चित्त द्रवित हो जाए हिंसा को देखकर उसको कहते हैं हिंदू। हिंसया दुयते चित्तम यस्य सह हिंदू। तो बोले जहां हिंसा देखकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए, अभी उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारी अहिंसा वृत्ति पलायन वृत्ति है जीना। जब हमारी कोई संस्कृति सभ्यता हमारी रक्षा पर कोई प्रहार करता है तो हम उसका प्रतिकार करते पूर्ण शक्ति से। देखिए इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जब सम्राट अशोक ने अपने हथियार रख दिए उस दिन से भारतवर्ष का पतन आरंभ हुआ। वो राजा है, राजा को शस्त्र नहीं रख देने चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म करुणा प्रधान धर्म है। मानव प्रधान धर्म की बात वहां है लेकिन करुणा ही मुख्य है। उस करुणा के कारण अशोक ने शस्त्र रख दिए और इसी से भारतवर्ष का पतन आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र रखने को नहीं कहा। अर्जुन तो कहता है प्रभु मुझे भिक्षा पात्र दे दीजिए, मैं वन में चला जाऊंगा, क्या करूंगा इसको लेकर के, राज्य को लेकर, क्योंकि इस राज्य में ये लड़ाई के अंदर में कितने लोग मारे जाएंगे, वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी और वो प्रजा अपने पितरों के प्रति अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगी, वो श्राद्ध नहीं करेगी। अरे कितना दुख भुगतना पड़ेगा, उससे अच्छा है मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। हे केशव मुझे तुम भिक्षा पात्र दे दो, मैं वन में चला जाऊंगा। भगवान कहते हैं क्लव्य मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परं तप। स्वामी विवेकानंद कहते नहीं, तो अद्भुत श्लोक है गीता का, जो हमें उत्साहित करता है, जो हमें बल प्रदान करता है, जो हमारे भीतर में शक्ति का संचार करता है। भगवान कहते मधुसूदन, अरे अर्जुन अपनी कापुरुषता को त्याग करो, उठाओ तुम्हारा गांडीव और तुम्हारे दुश्मनों को संहार करो। हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि अस्त्र रख दो जीना। अहिंसा को हम मानते हैं, अहिंसा के हम पुजारी है, लेकिन जब हमारी संस्कृति हमारे धर्म हमारे प्रजाजनों पर हमारे राष्ट्र के लोगों पर कोई हथियार उठाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, पूर्ण रूप से इसका हम प्रतिकार करेंगे। इसलिए कहीं पर हिंसा धर्म हो जाती है और कहीं पर अहिंसा अधर्म भी होता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई भारत की सरहद पर जो सैनिक है युद्ध हुआ तो 50-100 सैनिकों को वो मार करके गिरा देता है। कारगिल युद्ध में देखा सैनिकों ने, जब अनेकों सामने वाले राष्ट्र के अनेकों सैनिकों को मार करके गिरा दिया तो उनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। वहां पर हिंसा धर्म नहीं, अधर्म नहीं है, हिंसा धर्म है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। और वही सैनिक यदि अपने घर में आकर के अपने परिचित या पड़ोसी या किसी अन्य का खून कर देता है, उसको गोली मार देता है, तो वहां पर हिंसा अधर्म हो गया, उसको फिर जेल में घुसना पड़ेगा। हमारी ये धर्म की वैदिक धर्म की विशेषता देखें हम, ये मानव प्रधान धर्म है। इसलिए धर्म अधर्म देश काल निमित्त और परिस्थिति के मुताबिक तय हो जाता है। तो मूल बात पर आए हम, हमारा जो मूल तत्व है भगवान के विराट पुरुष का ध्यान करने का, किस लिए हम विराट पुरुष का ये अद्भुत ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जहां जहां पर भी नजर जाए वहां पर केवल भगवान के अतिरिक्त हम कुछ और किसी को न देखे। अरे अधर्म भी भगवान की पीठ है, धर्म भगवान के स्तन है, लोभ जो है भगवान का नीचे वाला ओष्ठ है, ऊपर वाला जो है होठ वो तो
भगवान का मनी वो लोभ है, नीचे वाला उष्ट लोभ है। कितनी अद्भुत बात बताइए, भगवान के एक एक विराट पुरुष का ध्यान करिए। अरे जो असुर लोग हैं वो भगवान का वीर्य है। कुछ भी बात रखी नहीं, गंधर्व अप्सराएं चारण विद्याधर, वो भी भगवान के श्रीअंग में है, भगवान के स्वर है, स्वर शक्ति है। क्या क्या नहीं कहा है, अनेक विध पक्षियां, वो तो भगवान की अद्भुत कला सौंदर्य है। इसलिए कहा कि तुम्हारी जहां जहां पर दृष्टि जाती है मानव, तुम ईश्वर को छोड़कर और किसी का ध्यान मत करो और किसी का चिंतन मत करो। अद्भुत बात बताई है। इसलिए यहां पर ये भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान आया है, विराट पुरुष का ध्यान बताया है। और बताया कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार भगवान का ध्यान किया था। वो तो प्रलय काल में, जब उनकी स्मृति, ब्रह्मा जी की जो स्मृति है प्रलय काल में सो गई थी, तब फिर उन्होंने फिर से उस सृष्टि अपनी बुद्धि को जागृत करके अमोघ दृष्टि, परमात्मा से अमोघ दृष्टि प्राप्त कर करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। हमने देखा है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, मानी ब्रह्मा जी का एक दिन वो सृष्टि शुरू होती है, और ब्रह्मा जी की एक रात्रि वो प्रलय है, और प्रलय के बाद फिर से वापस सर्जन आएगा। सर्जन एवं प्रलय ये चक्र चलता ही रहता है सतत, सर्जन एवं प्रलय, सर्जन एवं प्रलय, ये चक्र सतत चलता रहता है। तो जब प्रलय काल में ब्रह्मा जी की बुद्धि सो गई थी, तब फिर क्या हुआ, सर्जन के समय में वही ब्रह्मा जी की स्मृति जो प्रलय काल में सो गई थी वह फिर जागृत हो गई, और जागृत होकर के उन्होंने अमोघ दृष्टि से प्राप्त कर इस सृष्टि का निर्माण किया। कितनी अद्भुत दृष्टि प्रदान करते हैं। देखिए, हमने सांख्य की दृष्टि से सृष्टि तत्व का चिंतन किया, तो हमने चिंतन किया था वही परमात्मा, पहले वही एकमात्र परमात्मा ही थे, इसके पहले सत भी नहीं था असत भी नहीं। और जब उस परमात्मा ने चिंतन किया कि मैं एक हूं, उसका बहु बनूं, तो क्या हुआ, तीनों गुण में क्षोभ उत्पन्न हो गया, और तीनों गुण में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण माया प्रकट हुई, और वहां से फिर हिरण्यगर्भ बना, जिसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। मानी हिरण्यगर्भ से फिर अहंकार, और अहंकार से फिर पंच महाभूत बने। तो ये पंच महाभूत बने किससे, हिरण्यगर्भ से। अब पंच महाभूत हिरण्यगर्भ से है, लेकिन इस पंच महाभूतों के अंदर में असंख्य ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड रूपी सृष्टि में अनेक मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट इत्यादि का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, वो ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं। इस बात पर हम थोड़ा ध्यान दें। हिरण्यगर्भ से ही पंच महाभूत बने, और हिरण्यगर्भ परमात्मा से है, परमात्मा से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से पंच महाभूत, और उस पंच महाभूत में जो भिन्न भिन्न सृष्टि बनाते हैं, जीव की सृष्टि की रचना करते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, समुद्र, सरिता, पहाड़, वनस्पति, सब कुछ वो ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं। तो फिर कहा कि परब्रह्म, और ये पंच महाभूत जो है वो हिरण्यगर्भ से है, और हिरण्यगर्भ परमात्मा से, अर्थात परमात्मा से ही समग्र सृष्टि बनी हुई है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तत्व का हम ध्यान दे, चिंतन करे। इसलिए कहा कि तुम अंतर्मुख हो करके, मानव अंतर्मुख हो करके परमात्मा का ध्यान करो। जब तुम नेत्र खोलते हो तो जगत दिखाई देता है, वो जगत क्या है, भगवान का विराट स्वरूप है।
और जब तुम भीतर में दृष्टि करते हो तो भीतर में कौन है? जगदीश है। बाहर देखते हैं तो जगत है, भीतर देखते हैं तो क्या है? जगदीश। अरे जगत के रूप में वही पर जगदीश ही है। कंगन कुंडल नथनी करधनी वो सत्य नहीं है। कंडल कुंडल कंगन करधनी जिससे निर्मित हुए हैं वो सत्य है। इसलिए कहा कि जगत जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। तो कहा कि मानव इसका तुम चिंतन करो, भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का अपने हृदय के भीतर में चिंतन करो। और इसलिए भागवत में द्वितीय स्कंद के अंदर में सुंदर श्लोक आता है, सत्यां क्षितौ किं काशिभुः प्रयासौ बाहु स्विसिद्धे युपबर्हणैः किं सत्यं जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। अभी सुंदर वर्णन बताते करते हुए शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, अब ये जो उपदेश देने जा रहे हैं वो केवल विरक्त महात्माओं के लिए उपदेश है। इस उपदेश को गलत अर्थ से मत ले। हम हमारे वैदिक सनातन धर्म सबको कौपीन पहनाने या सबको दिगंबर रखने के लिए नहीं आया है। हमारा वैदिक धर्म सनातन धर्म कहता है ठीक है, तुम्हारी अर्थ में रुचि है तो अर्थ का उपार्जन करो, तुम्हारी काम में रुचि है तो काम में भोग करो, तुम्हारी धर्म में रुचि है तो धर्म का आश्रय लो। तुम कुछ भी करोगे तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य किंतु मोक्ष होगा। सबको बाबा जी बनाने के लिए वैदिक सनातन धर्म नहीं है, सबको बलात् करके त्याग करवाने के लिए वैदिक सनातन धर्म नहीं है। आप जिस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में, जो आश्रम में आप स्थित है वही से आप अपना उर्ध्वीकरण कीजिए, उस परमात्मा की ओर जाइए, अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कीजिए। चाहे आपकी इच्छा अर्थ का उपार्जन करनी है बहुत अच्छा करो, और उस अर्थ को दूसरे के लिए सेवा के लिए प्रयुक्त करो कोई बात नहीं। तुम्हारी इच्छा काम भोग की है तो धर्म की मर्यादा में रह करके काम भोग करो, अर्थ का उपार्जन धर्म की मर्यादा में रह करके करो। तुम्हारा धर्म पालन करने में इच्छा है तो धर्म का पालन करो, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो सबका मोक्ष ही है। उसी सिद्धांत से यहां पर भागवत के इस द्वितीय स्कंद के साधन स्कंद जिसे हम कहते हैं, इस साधन स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले प्रथम चरण में महात्माओं के लिए अद्भुत उपदेश देते हैं शुकदेव जी महाराज। और क्या उपदेश देते हैं? कहते हैं देखो, विरक्त महात्माओं के लिए कहा गया है, ये भी है, सामान्य महात्माओं के लिए नहीं, जो विरक्त महात्मा है, जो ऊपर के आकाश को अपना चद्दर समझते हैं और पृथ्वी को अपनी सैया समझते हैं। सामान्य महात्माओं, हम मेरे जैसे सामान्य महात्माओं के लिए भी नहीं है, ये तो विरक्त अद्भुत महान तपस्वी महात्माओं के लिए है। हम अन्य की तो बात नहीं कर सकते, हमारे लिए भी नहीं है। इतना अद्भुत त्याग का उपदेश दिया है भागवत में, ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण मात्रा में बताए हैं। इसलिए कहते हैं कि यह उपदेश विरक्त महात्माओं के लिए है। और क्या विरक्त महात्माओं के लिए उपदेश बताते हैं? बोले जब भगवान ने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है, समतल पृथ्वी बनाई है, लंबी चौड़ी सपाट समतल इतनी सुंदर पृथ्वी है, तो तुम फिर ओ विरक्त महापुरुष तुम अपने शैया के लिए फिर काहे को खटिया ढूंढते हो, काहे को पलंग ढूंढते हो, सोने के लिए गद्दे की क्या जरूरत है तुमको, बालिश की क्या आवश्यकता है? जब भगवान ने इतनी सुंदर लंबी चौड़ी सपाट पृथ्वी बना दिए, यही तुम्हारी शैया है। अरे भगवान ने तुमको भुजाए दी है, फिर तकिए की क्या आवश्यकता है, तकिए की चाहना क्यों करते हो?
अरे अपने हाथ को ही तकिया बना दो। विरक्त महात्माओं के लिए उपदेश दे रहे हैं और फिर कहते हैं, अरे भगवान ने तुमको तो दो बर्तन तो दिए ही है, काहे को बर्तनों को इकट्ठा कर रहे हो? दो बर्तन तो तुम्हारे पास है ही। बोले क्या क्या है? बोले अंजलि, कर से अंजलि बनाते वो, और तुम्हारा पेट, अंजलि से तुम जलपान करो। बोले तुम्हारा हो गया, एक जो है पान करने के लिए है और एक जो है भरने के लिए, पेट जो है वो भरने के लिए, धारण करने के लिए, धरने के लिए, एक लेने के लिए और दूसरा है धरने के लिए। अंजलि से हम जलपान करो बोले, और पेट से धारण करो। अब तुम्हें दूसरे सोने चांदी स्टील के बर्तन, ये सब बर्तनों की क्या आवश्यकता है? कितना अद्भुत उपदेश बता रहे हैं सुखदेव जी। भगवान परीक्षित राजा को कह रहे हैं, फिर कहते हैं, अरे तुमको दिशाएं दी है, ये दिशाएं है, फिर तुमको वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? दसों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वावव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि, ये सब दिशाएं जो है, फिर तुमको क्या आवश्यकता है वस्त्रों की? रंगवदूत महाराज लिखते हैं, वासना नो लेसन जेने वाणी सदा निर्दोष। अरे जिसने वासना का वस्त्र ही नहीं पहना है, क्योंकि वासना नहीं है तो वस्त्र कहां से आएंगे? परीक्षित भगवान को देख लीजिए, सुखदेव जी महाराज को, क्षमा कीजिए, सुखदेव जी भगवान को देख ले, उन्होंने वस्त्र ही धारण नहीं किया, क्योंकि कोई वासना ही नहीं है। अरे दिशाएं हमारे लिए वस्त्र है, कि दिशाएं वस्त्र बन जाती है महात्मा के लिए, विरक्त महात्माओं के लिए। अद्भुत तत्वार्थ प्रकट हुआ है, दिशाएं फिर है तुम्हारे, फिर दिशाएं यहां पर रखी, फिर तुम्हें वस्त्र की क्या आवश्यकता? फिर भी यदि तुम्हारे दिगंबर पने से काम न चले तुम्हारा, तो तुम अपने नीचे के भाग को केले या इत्यादि वृक्ष की छाल से ढक लो। बोले यदि तुम्हारे दिगंबर पने से काम नहीं चलता है तो इससे अपने आप को ढक लो। बोले और फिर वो कहते हैं, देखिए यहां पर दत्त परंपरा में एक सुंदर संकीर्तन होता है, धुन है, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा का अर्थ क्या है? दिक अंबर, दिशाएं जिसका अंबर है, विराट पुरुष का वर्णन है वहां पर। ये कोई सामान्य नहीं, हम बहुत सरल अर्थ से देख रहे हैं, उसके गूढ़ार्थ में हम नहीं प्रवेश कर सकते, नहीं तो हमारा मूल बिंदु छूट जाएगा। बिंदु निकला है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं सरल अर्थ से। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये महामंत्र है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हैं, उसी तरह से दत्त परंपरा में दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का महामंत्र है, उसका जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं घंटों तक। अरे जीवन भर, और ये महामंत्र दत्तात्रेय भगवान के प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ जी उन्होंने दिया है। तो दिगंबरा का अर्थ क्या है? दिक अंबर, जिसकी जिसका अंबर मानी वस्त्र कौन है? ये दिशा है जिसका वस्त्र है, वो, अरे उसका गूढ़ार्थ इतना अद्भुत है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद उसके अनेकों अर्थ है, भगवान के पुरुष एवं प्रकृति दोनों पाद, पुरुष एवं प्रकृति, जगत एवं जगदीश, जिस अर्थ में लेना है। महात्माओं ने अनेक गूढ़ार्थ प्रदर्शित किए हैं। तो मूल बात पर आए, दिशाएं जिसका अंबर है, और फिर कहा, अरे जाड़े में बहुत ठंड लगती है तुमको, तो बोले रास्ते में जो चिथरे पड़े हैं उसकी गुदड़ी बना दो। बोले ठंड सहन नहीं होती है, गर्मी सहन नहीं होती है,
अरे वर्षा ऋतु में आत्मरक्षा कैसे करेंगे हम? बोले जब वर्षा हो रही है, बहुत जाड़े की अवस्था आती है, बोले गुफाओं में चले जाओ। अरे महाराज गुफाओं में हिंसक प्राणियों का डर लगता है, सांप बिच्छू हिंसक प्राणी, उन सब का डर अलग ही है। तो कहते हैं कि गर्मी सर्दी और वर्षा को सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु गोन्देय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्ते दीक्षस्व भारत। ओ मानव, तुम गर्मी सर्दी वर्षा इन सब को सहन लो, इस सब का सहन कर लो। बोले सहन नहीं होता है तो क्या करे? अरे बोले भूल गए, तुम जिस भगवान के आश्रित होकर तुमने घर बार का त्याग किया है, क्या वो भगवान दयाहीन हो गए, कृपाहीन हो गए? तुमने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है, तुम चिंता मत करो मानव, भगवान तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करेंगे, क्योंकि तुमने भगवान की शरण ली है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और देखिए सभी महात्माओं का, संतों का, त्यागियों का, सन्यासियों का यही सिद्धांत रहा है, सबका यह अनुभव है कि जो भगवान के आश्रित होकर के घर बार छोड़ते हैं, भगवान उनके योगक्षेम की जिम्मेवारी लेते हैं। इसलिए यहां पर कहा, तुम्हें यदि तृषा लगती है तो नदियों का जल है, भूख लगती है तो पेड़ पौधे फल दे रहे हैं उसका आहार करो, तृषा लगती है तो नदियों के जल के पास जाकर के करबद्ध से अंजलि से जल का पान करो। वर्षा धूप और जाड़े में क्या करो? बोले सहन कर लो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत एवं उष्ण दोनों को सहन करो। आगमा पाइनो नित्या, ये आए हैं तो जाने के लिए आए, परिस्थिति आई है वो जाने के लिए ही आई है। आगमा पाइनो नित्या स्थान तितिक्षस्व भारत। ओ भारत, तितिक्षा पूर्वक इसको सहन करो। गूढ़ार्थ हमने देखा है, यहाँ पर गूढ़ार्थ महात्मा लोग समझाते हैं इस श्लोक का। मनुष्य के मन में जब साधक साधना करता है तो उसके मन में बुरे विचार आते हैं, अपवित्र विचार आते हैं, वासना युक्त विचार आते हैं। बोले इसको तुम सहन करो, सहन करो, सहन करो। श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा, स श स तालव्य स दंतव्य स एवं मूर्धन्य स, ये क्या है? अपनी वासनाओं को सहन कर लो, उसको कार्य में रूपांतरित मत करो। इंद्रियां जो चाहे उसको वो मत दो, सहन करो। द द द उपनिषद का, दमन करो, दया करो, दान करो। बोले साधक के मन में जब वासना का बवंडर चलता है तो साधक उसको सह जाता है, चिंतन करके, प्यारे तुम्हारे लिए हम सह रहे हैं। बस जब साधक सहन कर लेता है, सद जाता है, उस वक्त उसको क्रिया में रूपांतरित नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो वासनाएं शक्तिहीन हो जाती है और अंत में साधक उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। उसी दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव करे स स तो कहते इसका सहन करो, जो आया है वो जाने के लिए आया है, चिंता मत करो। इसलिए कहा, कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्दुर दुर्मदान धान। ओ विरक्त महापुरुष, सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को निमित्त बना करके सभी विरक्त महात्माओं को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम उस धनी के आश्रित क्यों रहते हो? अरे वह धनी जिसके पास कोई यदि याचक के रूप में आए तो उसका जो वो अपमान कर देते हैं, तुम क्या उस धनी के पास से कुछ याचना करते हो? अरे किसी की आशा मत रखो, केवल भगवान के आश्रित रहो, फिर भगवान तुम्हारा सब कुछ पूर्ण करेंगे। कस्मात् भजन्ति कवयो धनु धन दुर्मदान्धान। अरे धन के मद में जो मस्त हो चुके हैं, ऐसे धनी लोगों की चापलूसी तुम विरक्त महापुरुष होकर के क्यों कर रहे हो?
कितनी अद्भुत बात बता दी है। महात्मा लोग इसलिए कहते हैं, यदि कोई महात्मा को 1 रुपया देता है या कितना भी रुपया देता है, तो महात्मा कहते हैं हम कभी ये नहीं समझते हैं सन्यासी को यही ध्यान में रखना है। हम कभी ये नहीं समझते कि ये व्यक्ति ने मुझे सहायता की है, वो व्यक्ति ने मुझे सहायता की है, ये सहायता तो मेरे भगवान ने मेरे लिए की है, किसी को निमित्त बना करके हम भगवान के शुक्रगुजार हैं, हम भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यदि हम समझ ले कि किसी मनुष्य ने हमको सहायता की, तो वो सन्यासी, वो विरक्त, वो त्यागी, वो सन्या वो जिसने संसार का त्याग किया, वो वैराग्यवान पुरुष उसका ऋणी बन जाएगा। बोले वो नहीं करना है। जब कोई त्यागी, सन्यासी, विरक्त महापुरुष देखता है कि कोई उसको सेवा कर रहा है, तो वो व्यक्ति उसकी सेवा नहीं कर रहा है, भगवान ही उस व्यक्ति को निमित्त बना करके उसकी मांग को पूर्ण कर रहे हैं। और यदि यह भाव नहीं रहा त्यागी, सन्यासी, विरक्त का और भक्त का, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो त्यागी, सन्यासी, विरक्त, भक्त उस व्यक्ति का ऋणी बन जाएगा, फिर खत्म हो गया, फिर भगवान के पर आश्रित नहीं रहे। फिर त्यागी, सन्यासी, विरक्त मनुष्य का आश्रित बन हो गया, बस फिर दुख की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा कि मानव, भगवान ने यह सब व्यवस्था की है, तुम काहे को किसी की चापलूसी कर रहे हो जब तुमने सर्वस्व का त्याग किया है। इसलिए कहा अवधूत देख लो रे जेति जन्म मरण मिट जाए, दूध देख लो रे जेदी जन्म मरण मिट जाए। उस अवधूत का दर्शन करो और उसके लिए सर्वस्व का त्याग करो। भगवद आश्रित रहो, जगत के आश्रित मत रहो, जगत के किसी व्यक्ति का आश्रय मत लो। कितनी अद्भुत बात बताई है। और फिर आगे कहते हैं संसार के इस उपरामता को प्राप्त कर लो, संसार से उपराम हो जाओ, अपने मन को संसार के विषयों से अलग कर दो, उपराम हो करके अपने हृदय में जो भगवान का स्वरूप है अंगुष्ठ मात्र, उस भगवान के स्वरूप का बोले ध्यान करो, चिंतन करो। वो भगवान का स्वरूप कैसा है तो उसका वर्णन करते कहते हैं अपने इष्ट को अपने हृदय में ध्यान करना है। देखिए जिन जिन लोगों ने गुरु बनाए वो गुरु बताते हैं हृदय में कैसे स्वरूप का ध्यान करना होता है। आपके जो भी गुरु है, आपके गुरु ने आपको बताया है, चाहे आपने गुरु रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत धारा भावधारा से किया हो या अन्य कहीं से भी हो, गुरु मंत्र देते हैं, गुरु इष्ट का दर्शन भी कराते हैं, गुरु इष्ट क्या है उसकी पहचान करा देते हैं। तो अपना इष्ट अपने हृदय में ही विराजित है और वो किस स्वरूप से उसका ध्यान करना है, तो कहते अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये भगवान जो है हमारे भीतर में अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके बैठे हैं। अब देखिए भगवान के दो स्वरूप है, एक है अंगुष्ठ मात्र और दूसरा है विभु स्वरूप। अब जब अंगुष्ठ मात्र स्वरूप है तो क्या हुआ? कोई महात्मा कहते प्रभु अंगुष्ठ मात्र है, कोई कहता है कि प्रभु विभु स्वरूप है। तो अंगुष्ठ मात्र का अर्थ क्या हुआ? अरे भगवान जो है अंगुष्ठ मात्र मानी हृदय में विराजित है, तो हृदय कितने आकार का है? बोले अंगुष्ठ मात्र का, इसलिए कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आसित। ध्यान दे इस बात पर, परमात्मा को जो अंगुष्ठ मात्र कहा है और विभु कहा है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ के स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि परमात्मा जो है अंगूठे के आकार का है। अंगूठे का आकार अर्थात क्या? हृदय का आकार अंगूठे का आकार है।
हृदय का आकार अंगूठे के बराबर है, इसलिए वह हृदय में रहता है। इसलिए कहा कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि निष्ठिष्ठति। और परमात्मा विभु है, उसका अर्थ समझिए, परमात्मा विभु ही है। विभु अर्थात परमात्मा विभु है, अनंत है, लेकिन उसने उस आत्मा तो विभु ही है, परंतु इसका आकार हृदय के आकार का है। उसका आकार क्या है? हृदय ही का ही है। इसलिए कहा कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी जो वाक्य है उसको समझने का प्रयास करें कि परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है और विभु भी कैसे है। परमात्मा तो विभु है, वो आत्मा तो विभु ही है, किंतु वो आत्मा जब विभु है तो वो सगुण साकार बना तो कैसा है बना? वो हृदय के आकार का हुआ, और हृदय का आकार तो अंगुष्ठ है। इसलिए बात एक ही हो गई, या परमात्मा को विभु कहिए या अंगुष्ठ मात्र कहिए, बात एक ही है। इसलिए कहा हृदय की उपाधि से परमात्मा अंगुष्ठ के बराबर मालूम पड़ते हैं। अब उस परमात्मा का ध्यान करो। बहुत सुंदर ध्यान की पद्धति बताइए। ये परमात्मा का सूक्ष्म ध्यान हुआ। स्थूल ध्यान हमने प्रथम अध्याय में देखा, विराट स्वरूप का वर्णन करके। अब परमात्मा के सूक्ष्म ध्यान का प्रकार बताते हैं, विधि बताते हैं। बोले अपने हृदय में सहस्र दल कमल पर, बोले भगवान की सुंदर श्री चरण है, उसका ध्यान करो। कहते रहे अपनी, इसलिए कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंडे चमू तावली गोपस्त्री परिवेष्टि दो विजय दे गोपाल चू दामणी। तो भगवान के श्रीचरण का ध्यान करो। बोले भगवान के श्रीचरण अत्यंत कोमल है, शुभ्र है, अद्भुत श्रीचरण, अत्यंत कोमल चरण है भगवान के। और जब भगवान के श्रीचरण का ध्यान करते हो तो दूसरे अंगों का ध्यान नहीं आना चाहिए, केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करो। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रि। भगवान के श्रीचरण में तलवे के अंदर में कमल का चिन्ह। अरे भगवान के श्रीचरण में तो 32 चिन्ह है, भिन्न भिन्न, महात्माओं ने उसका सुंदर वर्णन किया है। तो जब भगवान के श्रीचरण का हम ध्यान करते हैं तो वो सब चिन्ह का हम ध्यान करते हैं, एक 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 चिन्ह का एक एक सुंदर तत्वार्थ है। तो कहते भगवान के श्रीचरण का ध्यान करो, बाद में भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो। बोले कितने सुंदर परमात्मा है खड़े, उसका हम ध्यान कर रहे हैं। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये। और बोले जब परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा हमारे हृदय आकाश में हमारे सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब हम परमात्मा को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हम स्वयं मुस्कुरा देते हैं। अरे कतिपय लोगों ने कह दिया, ज्ञानियों ने, अरे तुम परमात्मा जो अपने हृदय में मुस्कुराते हुए वो परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, वो तो तुम्हारा मन ही तो परमात्मा बन के आया है ने। बोले हाँ, हमारा मन ही तो परमात्मा बन करके आया है, लेकिन जब उस मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त वाले परमात्मा का जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हम स्वयं आनंद में डूब जाते हैं,
हम स्वयं आनंदित हो जाते हैं, हमारे दुख का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता है, सब दुख का मटिया मेट हो जाता है। और जीवन का लक्ष्य तो परम आनंद में मग्न रहना, वही तो है। इसलिए कहा कि जब परमात्मा का ध्यान करते हो तब चिंतन करो अपने हृदय के अंदर में परमात्मा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे परमात्मा के अधर कितने सुंदर है, वंशी विभूषित करान नवनीरदाबाद पीताम्बरात अरुण बिंब पला धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। कितनी अद्भुत बात बताइए, उस परमात्मा मंद मंद हमारे सम्मुख मुस्कुरा रहे, हम भी मुस्कुरा रहे। उस परमात्मा का ध्यान करो, बोले परमात्मा के वक्षस्थल का ध्यान करो। परमात्मा के वक्षस्थल में तो लक्ष्मी जी विराजित है, अरे कौस्तुभ मणि है। अब कौस्तुभ मणि क्या किसी मणि, कौस्तुभ मणि में कोई छिद्र लगा करके रस्सी से बांध करके भगवान ने पहना है, बोले जी ना, कौस्तुभ मणि तो भगवान के वक्षस्थल पर लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है उसका चिंतन करो तो भगवान के सुंदर स्वरूप का सुंदर चिंतन हो जाएगा। शंदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वादारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अद्भुत भगवान का ध्यान करो मानव, इस तरह से भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करो। आइए तो हम भी इस प्रथा से, इस पद्धति से ध्यान करते करते परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाए, हमारे चेहरे पर भी आनंद मुस्कान खिल उठे उस परमात्मा के अद्भुत 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 मुस्कान को देख करके। श्री कृष्ण के मुस्कान में क्या है, माया है। और जो भगवान के इस सुंदर मुस्कान को देखता है वो भगवान के स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यह न जहो लोक कल्याण मार्गे त्रैलोक्येप्य प्रतिमहिमा जानकी प्राण बंधु, त्रैलोक्येप्य प्रतिमहिमा जानकी
प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान व्रत वर वपुषितया योहिरा भक्त्या ज्ञान व्रत वर वपुषितया योहिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद् स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम सियाराम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ कीजिए। राम सिया राम जय जय राम राम हो। मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो। ताके जुगपद कमल मनाऊ जाशु कृपा निर्मल मत पाऊं सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचनन जाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाम सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो। सिया राम मय सब जग जानी कर प्रणाम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो दशरथ राजा के पास दूत भेजा गया। दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि और सब भरत शत्रुघ्न को लेकर बारात लेकर आए और यहाँ कहते कि जिन्होंने भरत और शत्रुघ्न को देखा सबको इतना अच्छा लगा। भरत देखने में भगवान राम जैसा था, शत्रुघ्न देखने में लक्ष्मण जैसा था। सब लोग ऐसा सोच रहे कि सबकी यहाँ शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार ये लोग आएंगे,
कभी छोड़ने के लिए, कभी लेने के लिए, तो इनका दर्शन करके बहुत आनंद होगा। हमने चर्चा की कि भगवान राम का सीता के साथ शादी हुई, लक्ष्मण की उर्मिला के साथ शादी हुई, भरत की मांडवी के साथ और शत्रुघ्न श्रुतकृति के साथ शादी हुई। और यहाँ कहते हैं भगवान राम ने कहा कि बारात में जितने कुंवर है सबकी शादी हो जाए, तो कहते जनकपुरी में सबकी शादी। अब शादी हुई, बहुत आनंद है, ब्रह्मा आए हैं, भगवान शिव आए हैं। शिव आने से पहले पार्वती कहते कि आप मत जाइए। मुझे क्यों? अरे आपका त्रितिनयन खुल जाएगा तो वहाँ का कार्यक्रम सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि कब फूल जाता पता नहीं। बस नहीं नहीं भगवान शिव ने कहा राम को देखकर मेरा जो नेत्र खुलता नहीं, वो तो आंखों से अश्रु धारा बहती है, काम को देखकर खुलता है। तो पार्वती वहां तो काम भी है, क्योंकि यहाँ कहते शादी में भगवान राम, जो राम का घोड़ा है ना, वो काम है। तो भगवान शिव ने कहा देखो मेरे पास जब काम आया था ना, आम के पेड़ पर बैठा था, और अभी कहाँ बैठा है? अभी तो भगवान काम के ऊपर बैठे थे। काम के ऊपर बैठे तो काम संयत है, उनकी लगाम भगवान राम के हाथों में। और कहते काम देव बन गया। देखिए वैसे हम क्रोध को, लोभ को देव नहीं कहते, काम को देव कहते। तो जो भी हो, शादी हुई, सबको बहुत आनंद हुआ। भगवान शिव उसका 5 मुख है और 3-3 नयन, 15 नयन उसे दर्शन कर रहे। सड़मुख कार्तिकेय है, उसका 6 मुख है, 12 नेत्र से दर्शन कर रहे। हमारे ब्रह्मा जी 8 उनका आँख है, 4 मुख है, 8 आँखों से। और सबसे बड़ा आनंद किसको है? इंद्र को। इंद्र को सहस्त्र लोचन कहते हैं। सहस्त्र लोचन से भगवान राम का दर्शन कर रहे, सबकी शादी हो गई। यहाँ कहते बाद में सबको ले जा गया, रानी वासु हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। रानी वास में ले गया सबको, हास परिहास हो रहा है। कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमुन जाय काही जन अली, वर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। वो भगवान राम लक्ष्मण सीता सबको, चारों भाई और जो उनकी चारों पत्नी को ले जा रहे हैं, भगवान राम चल रहे। यहाँ कहते कौतुक विनोद, विनोद हो रहा है, कौतुक हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जा रहे, धीरे धीरे जा रहे, सब विनोद करे। क्या विनोद करे? देखो ये धीरे धीरे बलद होता है ना, बलद की माफिक धीरे धीरे जा रहे। तो लक्ष्मण कह रहे भगवान राम की सब धीरे धीरे चलो, जल्दी चलो। भगवान राम कह जल्दी चलेंगे भी कुछ बोलेंगे, पर चलो ना जल्दी जल्दी चलने लगे। तब ये बोले देखो वो ये तो लगता है बलि का बकरा है, बलि का बकरा जब ले जाते हैं तो खूब दौड़ता है, ऐसे जा रहे। अब क्या करे? लक्ष्मण के खड़े रह जाओ। भगवान राम सब खड़े हो गए, बिल्कुल खम्भा की तरह खड़े हैं। देखो जो भी करेंगे कुछ बोलेंगे, जो भी हो ये हाथ से विनोद हो रहा है। बाद में कहते सबको लेकर खाने के लिए बिठाए। 6 रस रुचिर मिंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। कहते 6 रस है, क्या क्या 6 रस? मधुर मीठा है, अम्ल खट्टा है, लवण नमकीन होता है, कटु कड़वा तिक्त तीखा कषाय वो कसेला, ये सब 6 रस के यहाँ कहते हैं। 6 रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, बहुत प्रकार के व्यंजन, एक एक रस अगणित भात, एक एक रस का अगणित व्यंजन है। जीवत देही मधुर धुनि गाय, ये सब है ना, जो गारी दे रहे, जो खा रहे हैं ना गारी दे रहे, क्या करे, मजाक करे। लक्ष्मण ये सब खा रहे तो यहाँ के जो सखी है ना वो कह रहे क्या कह रहे, देखो हम जो देंगे ना आपको कभी कोई जीवन में कोई नहीं देगा। लक्ष्मण ने कहा हम राजा के लड़के, हमने बहुत अच्छा अच्छा कहा है, आप ऐसा क्या देंगे, हम कभी हमने कुछ नहीं मिला, आपने किसी को गारी दी है क्या? वैसे ना गारी नहीं, हम आपको गारी देंगे। ठीक है, देखिए खाते खाते विनोद हो रहा है।
क्या विनोद हो रहा है यहाँ, कहे कि ये लोग तो बिना आमंत्रण आ गए, कुछ हमने चिट्ठी भी नहीं भेजी, आ गए यहाँ क्यों आ गए? तो कहते जो सखी सहेली सब कह रहे कि अरे इनके जो अयोध्या में कोई लड़की देखने के लिए नहीं आती थी इन लोगों को, ठीक नहीं, इसलिए विश्वामित्र ये दोनों को लेकर घूम रहे थे कि चार है तो दो को ले जाए, दो में एक काला है भगवान राम काले थे और एक गोरा है, गोरा के साथ काला खप जाएगा, ठीक है, कहीं हो जाएगा तो बाद में बुला लेंगे, देखिए यहाँ हो गया तो बाद में भरत शत्रुघ्न बुला लिया, ठीक है, ऐसे बिना निमंत्रण आ गए, ऐसे हंस रहे सब और कहते यहाँ कह अरे हमारे ये लक्ष्मण कह रहा अरे तुम भगवान राम को पहचानते हो, क्या किया पता है? अहल्या पासानी थी ना उसको नारी बना दिया। अरे सखी कहने किसी को मत बोलिए, ये तो मदारी का खेल है, ठीक है ना, ये सब करना नहीं ये सब, और ये जो अहल्या जो पासानी थी नारी हुई ये भगवान राम के चरण स्पर्श से नहीं, वो तो पहले से गौतम मुनि ने बोल रखा था, गौतम ने बोला था कि राम के चरण स्पर्श से वो तुम फिर अपना स्वरूप प्राप्त करेगी, तो ये तो गौतम मुनि के वचन से हुआ, राम के चरण से कुछ नहीं हुआ। अरे लक्ष्मण ने कहा अरे भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, कोई नहीं तोड़ पा रहे थे, देखिए ना इतने लोग, राम ने धनुष। अरे सखी कहने लगी धनुष क्या तोड़ेगा, हमने देखा जब पुष्प चयन करने गए थे ना, भाल अतिल कसरम बिंदु सुहाए, उनके कपाल में पसीना आ गया, फूल चूटते चूटते पसीना आ गया, वो क्या तोड़ेगा? कैसे थोड़ा पता है कैसे? अरे सीता की शक्ति से टूटा। आप पूछिए भगवान राम को, उसने धनुष तोड़ने से पहले सीता की ओर देखा था, देखा था कि नहीं? भगवान ना देखा था, उसे देखो ये तो सीता की शक्ति से हुआ, अपने से कुछ नहीं हुआ। ये सब हंसी मजाक हो रही, क्या बता रहे मन? सखी बता रही है कि देखो वहां क्या है, अयोध्या में क्या पता है? अयोध्या में तो माता को ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता, जो खीर खाते हैं ना उस बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है ना, आप सबको मालूम है पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसमें जो खीर मिली थी अग्निदेव ने दी थी, कौशल्या सुमित्रा कई कने खाई, उससे उसका जन्म हुआ। तो ये लोग कह रहे कि माता को कुछ नहीं कर, खीर खाओ बस बच्चा पैदा हो जाएगा। लक्ष्मण कह रहा है कि देखो हमारे माता को तो कुछ कष्ट करना पड़ता है, हैं? लड़का को पेट में गर्भ में धारण करना पड़ता है, यहाँ तो सुना है कि मिट्टी खोदने से लड़की निकलती है, ठीक है ना, सीता तो मिट्टी खोदने से निकली ना, तो देखिए ये सब हो रहा है, आनंद हो रहा है, सब ये सब बातें कर रहे, ये सबको आनंद हो रहा है। और यहाँ कहे थे कि ये सब खाना हो रहा है, वो जब सब एक साथ बैठे हैं तो गाना गाना गा रहे, गाना में भी ये सब गारी दे रहे। तो जो भगवान राम को देखा, भगवान राम ने ऐसी मोहक दृष्टि डाली जो सब गाली दे रही थी दशरथ राजा को, मिथिला की जो स्त्रियाँ थी, भगवान राम को देखकर ना उनका सबका मति भ्रम हो गया। क्या हुआ? वो जनकपुरी के मिथिला की जो सखी थी वो गाली दी थी दशरथ को, लेकिन भगवान राम ने ऐसे देखा तो कि उनका मति सब जनक को गाली देने लगी, ठीक है ना, अरे जनक को गाली, और दशरथ राजा बहुत हंसने लगे। देखिए ये सब राजेश्वरानंद सरस्वती ने ये बहुत अच्छी तरह से सुना है, उसने मैंने सुना है। तो कहते हैं कि बहुत आनंद हो रहा है, अरे इतना आनंद हो रहा है, यहाँ कहते जब शादी हो गई सब कुछ हो गया, बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कर राऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। ये जो जनक राजा है ना, अरे ये दशरथ दोनों सुध विश्वामित्र की कृपा से हुआ। देखो बार बार कौशिक चरण, विश्वामित्र के चरण पकड़ रहे हैं और कहे शिशु नाई कर राव, राजा उनका चरण पकड़ कर कह रहे कि यह सब सुखु मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाओ, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से इतना आनंद हो रहा है। अब कहता है जब दूसरा दिन जब आता है, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, दशरथ राजा कहते हमको विदाई दी, राखई जनकु सहित अनुराग, नहीं नहीं
रहिए रहिए थोड़ा दिन और रुक जाए, ऐसे करते करते विदाई नहीं दे रहे। नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहस्त्र भांति पहुना है। दिन दिन उनका आदर बढ़ रहा है, जितने दिन जा रहे हैं उसका आदर सत्कार क्या है, उनको खाना पीना सब बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है बहुत दिनों कहीं रुकने से क्या होता है, धीरे धीरे आदर सम्मान कम हो जाता है, खाना पीना धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, कहते नित नूतन आदर अधिक आए, प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कम रहा है। और कहते कि नित नव नगर आनंद उछाऊ, दर्श तगवन सुहाय न काऊ, दशरथ चले जाएंगे किसी को अच्छा नहीं, कि नहीं यहाँ ही रुक जाए। बहुत दिवस बीते यही भांति, झनु सन्हे रजु बंधे बराती, इतना प्रेम इतना स्नेह सबको मिल रहा है, ये सब छोड़ के कोई जा नहीं सकते है। यहाँ कहते कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह लिप समझाई, बहुत दिन बीत गए, अब कहते कहे कौशिक सतानंद दोनों जाके गए जनक राजा को समझा रहे कि अवध नाथु चाहत चलन भीतर करू जनाऊ, भये प्रेम सचिव सुनी विप्र सभा सुधराऊ। कि देखो बहुत दिन होगा आप छोड़ दीजिए, अवध नाथ अब जाना चाहते हैं। जब ये सुना तो सबको बहुत दुख हुआ। पुरवारी सुनी चली बराता, बुझत विकल परस्पर बाता, सब विकल हो गए कर चले जाएंगे, अब क्या होगा। यहाँ कहते हैं कि सबको इतने दिन आनंद हो रहा था, जब सुना चले जाएंगे तो बहुत दुख होने लगा सब लोग को, दुख होने। राम विदा मागत कर जोरी, किन्न प्रणमाऊ बहुरी बहुरी, भगवान राम सबके पास जाके विदाई ले रहे, प्रणाम कर रहे, सब भाई लोग सबको प्रणाम कर रहे। यहाँ कहते सीता ने सुक सारी का वो पाला था, पक्षी पाले थे, कि सुक सारी का जान की जाई, कनक पिंजरे राखी पढ़ाई। वो सोने के पिंजरे में ये सुक सारी का को राख के वो पढ़ाती थी। व्याकुल कही कहाँ वही देही, सुनी धीरज परिन देही। जब सीता जा रही ना तो कहाँ वही देही, कहाँ हो सीता, कहाँ हो, ऐसे पक्षी पुकार रहे। पक्षी का इतना दुख देकर कह रहे, भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज सा के ही कही जाती। पक्षियों विकल रहे तो मनुष्य को कितना दुख होगा, यहाँ कह रहे हैं। बंधु समेत जनक उतब आये, प्रेम उमग लोचन जल छाए, जनक राजा की आंखों में आंसू आ गए। सीय विलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम वैराग, उसको वैरागी कहते हैं जनक राजा को, विदेह कहते हैं। वो कहते संसार की कोई वस्तु कोई आदमी उसको आकर्षण नहीं कर सकता, लेकिन आज मर्यादा सब टूट गई। सीता जब जा रही है तो बहुत रोने लगे, कहते हैं। यहाँ कहते मिटी महामर्जाद ज्ञान की, समुझावत सब सचिव से आने, किन विचारुन अवसर आने, बार ही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मगे। बार बार सीता को हृदय में उसे लगा रहे है। और जनक राजा भी रो रहे, जनक राजा को बहुत दुख हो रहा है। प्रेम विवश परिवार सबु जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई, पालकिन सुमिरि सिद्धि गणेश। पालकी में माँ सीता को बिठाया गया, उर्मिला सुतकृति मांडवी धीरे धीरे कुछ बारात फिर वापिस जा रही, सबको बहुत दुख हो रहा है। और कहती पीछे 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 जा रहे जनक राजा बहुत दूर तक, सब कह रहे अब आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे पीछे जा रहे बहुत दूर निकले। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेरु से नहन लाई। सब ने बहुत विनय किया जनक राजा को कि आप अब वापिस जाइए, तब जनक राजा वापिस गए। यहाँ कहते सीता भी रोने लगी, सीता की माँ जो थी उसने बहुत शिक्षा दी कि देखो पति के साथ रहना, पति के सुख दुख में साथ ही रहना, पति की मन के मुताबिक चलना, पति के पास कुछ मांगना मत। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि सीता ने भगवान राम के पास सोना का हिरण मांगा तो अलग होना पड़ा,
भगवान श्री राम कृष्ण माँ साधु कहा था किसी के सामने हाथ चीक मत करना, मांगना मत। तो देखिए यहाँ जो वो भी शिक्षा दे रही उनकी माँ, और कहते सब लोग पधारे अयोध्या में, अयोध्या में पधारे, अयोध्या में बहुत आनंद है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी शादी हो गई। यहाँ कहते कौशल्या राम हतारी प्रेम व्युस्तन दशा विशारी, इतना प्रेम है कि बोल नहीं सकते। कि दान विप्रणु विपुल पूजी गणेश पुरारी प्रमुदित परस दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी, बहुत दान करने लगे जब पधारे ना वहाँ अयोध्या में, और भगवान की पूजा करने लगे, गणेश की पूजा कर भगवान शिव की पूजा करने लगे, और इतना आनंद है सबको, इतना आनंद हो रहा है राम के साथ, माँ सीता लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी श्रुतिकृति सब सिंहासन पर बैठे, सब लोग देख रहे, और देखकर यहाँ के आनंद हो रहा है। बंधु समेत देख सुतचारी परमानंद मगन महतारी, माताओं सब देखकर इतना आनंद हो रहा है। पुनी पुनी सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी, ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया। कौशल्या बार बार राम को देख कर कहती अच्छा मैंने सुना कि तुम जब जा रहे थे हैं, तब तुमने ताड़का को मारा, अच्छा तुम इतने छोटे ताड़का को कैसे मारा तुमने। देखिए माँ के पास बच्चा छोटा है, जितना बड़ा होगा ना छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। घोर निशाचर विकट भट समर घने नहीं काहू मरे सहित सहाय कि मी खल मानिच सुबाऊ, तो सुना तुमने खल को मारा मानिच को मारा सबको मारा, मानिच को कहाँ दूर फेंक दिया है, इतने इतने बड़े राक्षस को तुमने मारा, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की कैसे की। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी इस अनेक करवट टारी, देखो ये सब तुम्हारी शक्ति से नहीं हुआ, माँ कौशल्या कहे क्या करे तुम्हारी से, ये विश्वामित्र की कृपा से हुआ, विश्वामित्र और भगवान ने तुमको सहायता की। इस अनेक करवटी टाली, भगवान ने तुम्हारे सब विघ्न था ना वो सब उसको टाल दिया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये जो तुमने कर्म किया ना वो मनुष्य नहीं कर सकता, अमानुष कर्म कैसे हुआ, केवल कौशिक कृपा सुधार, तुम्हारे साथ विश्वामित्र मुनि थे ना इसीलिए ये सब हुआ है, तुम नहीं कर सकते हैं। आज सुफल जग जन्म हमारा देखी तात विधु बदन तुम्हारा, हमारा जन्म सुफल होगा तुम्हारा दर्शन करके। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिदंची जनी पारे ले, जो दिन तुमको नहीं देख के गया ना वो दिन हमारे जीवन में, विधाता को कहा था कहते हैं कि हमारे जीवन में वो दिन ना रहे, उस दिन की दिन का हिसाब ना हो, ऐसा कर है। यहाँ कहते सब आनंद होगा देवता, और यहाँ कौ जो विश्वामित्र मुनि थे, विश्वामित्री जाना चाहते लेकिन बोलते आ रुक जाइए ऐसे करके बहुत दिन रुकाया। विश्वामित्र चरण नित चहई राम सब प्रेम विनय बस रहे, भगवान राम का आज रुक जाइए, फिर कहते आज रुक ऐसे करते बहुत दिन रुक गए। फिर उसने कहा अब जाना ही पड़ेगा, मागत विदा राव अनुरागे सुतन समेत ठाठ भी आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समित सुतचारी। तो दशरथ राजा कहते ये जो सब संपत्ति जो कुछ है ना आपकी है, हम आपके सेवक हैं, जब भी आप इधर आइए हमको बहुत आनंद हुआ। और यहाँ कहते कि विश्वामित्र मुनि ने विदाई ली, और यहाँ कहते रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। ये जो तुलसीदास ने ये जो भगवान राम की यश की जो वर्णना की क्यों कर रहे, कुछ अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए। देखिए भगवान का नाम करने से जीवा पवित्र होती है, यहाँ तुलसीदास जी यही कह रहे हैं। निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कयो
रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कोने लयो उपवित व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे कि ये जो मैंने भगवान का यश की वर्णना की, क्योंकि अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए निज गिरा पावनीकरण कारण राम जस तुलसी कहो रघु वीर चरित अपार बारी थी पारु कवि कोने कुछ। भगवान राम का चरित्र कैसे समुद्र जैसा, कभी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये तो जो थोड़ा वर्णन किया तो ये तो कुछ वर्णन हुआ ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अपार समुद्र उसमें से थोड़ा पानी हमारी जो जितनी शक्ति हमारे छोटा सा पात्र में पानी ले सकते, समुद्र को तो पूरा ले नहीं सकते। यहाँ तुलसीदास जी कहते उपवीत व्याह उत्साह मंगल सुनि जे सादर गावही, ये जो सुनेंगे ये जो भगवान राम की विवाह की बात, उनके उपवीत की बात जो प्रेम से ही सुनेंगे उसका क्या होगा। तुलसीदास जी कहते हैं वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही, भगवान राम और सीता की कृपा प्रसाद से उनको सुख मिलेगा। सिय रघुवीर विवाहु जे सब प्रेम गावही सुनही तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। यहाँ कहते ये जो रघुवीर और सीता का विवाह जो गाएंगे सुनेंगे क्या होगा, उसके जीवन में आनंद उत्साह आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं तो हम भी भगवान के पास प्रार्थना करें कि उनके नाम में हमको सुख मिले, उनकी लीला गान में हमको सुख मिले। और भगवान का जो नाम का सुख है, भगवान का जो सुख है ना, वो जो मिल जाएगा ना तो संसार का दुख हमको विचलित नहीं कर पाएगा। भगवान के पास यही प्रार्थना करें। हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।